हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मेरे बारे में ज़्यादा आप जानने के लिए मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं। इसमें काफ़ी स्लाइड्स हैं, देखिए कितने सारे स्लाइड्स हैं, तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे करूँगा मैं अपना इंट्रोडक्शन देने में। आप मेरा इंट्रोडक्शन मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल से ले सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग को अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे हाइएस्ट ऑर्डर का उसमें नॉन जीरो माइनर क्या है, कौन सा है। माइनर क्या है भाई, देखिए माइनर को मैंने लिखा भी, आप जानते हुए 11th 12th आपने पढ़ा ही होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी आपने डिफिनेशन वगैरह तो पढ़ ही रखा होगा, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे माइनर क्या है। द डिटर्मिनेट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसमें से कोई सब मैट्रिक्स आप निकालिए उसका डिटर्मिनेंट ही उसका माइनर कहलाता है। तो यदि वो नॉन जीरो हो गया, अगर एक भी उसमें डिटर्मिनेंट उस ऑर्डर का अगर नॉन जीरो हो गया तो वही उसका रैंक कहला जाएगा। देखिए डिफिनेशन से तो कुछ होने जाने को है नहीं, हम लोगों को देखना पड़ेगा, निकालने के लिए आना चाहिए। देखिए हम लोग कैसे इसका समझते हैं, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 3x4 का, और 3x4 का मैट्रिक्स है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स तो 3 का ही निकल सकता है, 4 का तो निकल नहीं सकता है। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 3x3 का, हमने देखा 0 आ गया, पर इससे काम नहीं होगा, हमें सारा का सारा जितने भी माइनर्स हैं 3x3 का वो सारे 0 होना चाहिए, जो भी हम निकाल सकते हैं इससे। तो हमने ये वाला निकाला, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, देखिए मैंने निकाला ये वाला मैट्रिक्स ये नीचे, और इसका मैंने कैलकुलेट किया तो ये 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि यहाँ से प्रमाणित हो गया कि भाई इसको हम कह सकते हैं कि रैंक 3 है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स से, क्योंकि 3x3 का एक माइनर हम खोज निकाले हैं जो नॉन जीरो है। बस काम हो गया, बस रैंक हम लोग वहीं पे लिख देंगे कि रैंक क्या हो गया उसका, इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग रैंक कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 3x3 का एक मैट्रिक्स दिखाया है, अब इसका हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग तीन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो इसी का हम देख लेते हैं कि 3 हो सकता है कि नहीं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 3x4 में, भाई मैक्सिमम इसका रैंक 3 हो सकता था, लेकिन हमने देखा कैलकुलेट करके कि 3 से नीचे तो हो नहीं सकता था, 4x4 का तो हमें कोई यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं मिल पाएगा, या कोई स्क्वायर माइनर ही नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग उसको तो देखेंगे नहीं। यहाँ पे 3x3 है, तो सबसे पहले तो 3x3 चेक करेंगे हम लोग, 3x3 में मैंने चेक किया तो 0 आ गया, तो ये तो आएगा नहीं इसका माइनर, ये तो इसका रैंक होगा नहीं, 3 इसका तो रैंक है नहीं। अब हम लोग 2 में चलते हैं, तो 2 देखिए 2 में का कितने सारे पेज निकल रहे हैं, तो सारे को हमको चेक करना पड़ेगा, अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो भाई उसका रैंक हो जाएगा। हम लोग उसमें से भाई ऐसा ही चुने क्योंकि जिसमें से हमें चांस लगे आने का, क्योंकि सबको चेक करने का, अगर एक तो आ गया 0, जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले में क्या किया था, ये हमारा मेहनत बेकार गया, अगर हम पहले ही इसको चेक कर लेते हैं तो इसको करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो यहाँ पे भी हमें यही ध्यान देंगे, तो देखिए हमें यहीं से दिख रहा है कि भाई ये कोई उठाइए, यहाँ पे तो अक्सर सब बहुत सारे हैं, 2x2 का हमने निकाला है ये वाला, और यहाँ पे हमने निकाला उसका डिटर्मिनेंट, और वो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका रैंक 2 आया। ऐसे भी हम लोग रैंक को दिखाते हैं। चलिए अब रैंक निकालना तो आप सीख गए, अब रैंक से काम चलता नहीं है, जानते हैं कि भाई कंपिटेटिव एग्जाम है, आपको रैंक निकालने के लिए तो भाई वो देता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, पर उस पर प्रॉपर्टी पर ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, खासकर गेट में, जानती हैं कि गेट अगर मैट्रिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उसमें उसके सारे प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन होंगे, तो प्रॉपर्टी हमें याद रहेगा तो हमें रैंक निकालने में भी हमें सहूलियत होगी, आसानी होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है रैंक के। सबसे पहले रैंक का क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज टेकन एज 0, टेकन एज है, ये ध्यान रखना, ऐसा माना गया, ऐसा नहीं कि होता है, ऐसा मान लिया गया कि भाई उसको तो अज्यूम करो कि भाई जैसे मैं तो हमारे अज्यूम करते हैं, वैसे हमने नॉन मैट्रिक्स जानती होंगे, इसमें कोई एलिमेंट ना हो उसी को नॉन मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसका उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका रैंक हमने 0 अज्यूम कर लिया। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है भाई, तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, ये भी क्वेश्चन गेट में कई बार आता ही रहा है, नहीं तो इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह या फिर जो भी छोटे एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे दे देता है कि 0 होता है, उसके बाद कहता है कि 0 क्यों होता है, तो टेकन है, इसको ऐसा माना गया है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैं बता चुका हूँ पिछले कोर्स में, नॉन मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर, तो अगर
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि डिटरमिनेंट तो वहीं पे जीरो हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ही उसका रैंक बन जाएगा ऑब्वियसली, कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि उसका डिटरमिनेंट जीरो है, बताया था नॉन सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो वही उसका ऑर्डर नहीं बन जाएगा, उसका ऑर्डर ही उसका रैंक बन जाएगा। द रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि उसका डिटरमिनेंट जीरो है, इज लेस देन इट्स ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर से छोटा होगा क्योंकि उसका डिटरमिनेंट ही जीरो है। यही तो किया हमने, जैसे कि यहाँ पे पहले हमने क्या निकाला, इसका डिटरमिनेंट निकाला, इसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया तब ना हम आगे गए, अगर यहाँ पे जीरो नहीं आता तो यही तो तीन ही उसका रैंक हो जाता, तो वही तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये दोनों पूरा स्टेटमेंट ही वही है। आगे चलते हैं, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन उसका रैंक जो होगा, जो एम एन में से जो छोटा होगा वही उसका रैंक होगा, या फिर कहो कि उससे भी छोटा होगा उसका रैंक एम एन में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे क्या था, 3x4 का मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे जो रैंक आ सकता था उतनी 3-4 कभी आ ही नहीं सकता था, जब भी आता तो 3 आता या फिर 3 से भी छोटा आता ऑब्वियसली, क्योंकि हम भाई स्क्वायर मैट्रिक्स हमको देखना है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ से निकलेगा, 3-4 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 4x4 का इसका यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई एम क्रॉस एन में क्या होगा, मैंने तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3x100 का है, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 से भी छोटा होगा, या फिर 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। चलिए रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसफॉर्म का, दोनों का रैंक इक्वल होता है, तो एक का रैंक दिया रहे या दूसरा का रैंक गेट के एग्जाम वगैरह में कहीं पर पूछ ले, तो हम लोग निकालने नहीं लगेंगे, हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया ये कि रैंक निकालने के लिए कहा, उसने कहा कि भाई ये ए जो है एक मैट्रिक्स है, उसका दिया है कि भाई इस तरह से मैट्रिक्स है, वेयर क्या है, आई जे इक्वल टू आई इन टू जे है, यानी कि यहाँ पर 1-1 है, यहाँ पर 1-2 1-3 को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 1n को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर 2-1 को मल्टीप्लाई किया, 2-2 यहाँ पर 2-3 यहाँ पर 2n को मल्टीप्लाई किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पे 1-3 है, यहाँ पे 2-3 है, यहाँ पे 3-3 है, यहाँ पे 3n है, तो इस तरह से क्या किया गया, आई जेमा जो क्वान्टिटी है वो आई और जे को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस प्रकार से हमने एक मैट्रिक्स मिल रहा है, उसे कहा कि हमें रैंक बताओ, और आप तो रैंक कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है भाई, डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, सबसे पहले पूरे का डिटर्मिनेंट निकालो, जब भी मैंने बताया डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया था, आप डिटर्मिनेंट जाकर देखिए कि डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है और कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उससे मैंने बताया था कि यदि एक जो रो या कॉलम जो है दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो उसका रैंक वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, तो आप निकालिए इसका निकालिएगा तब भी जीरो आएगा, आप उसके बाद जो एक आध को कम कर लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका भी जीरो आएगा, प्रोपोर्शनल तो रहे, यहाँ तक कि इतना में भी चले जाओगे तुम, सबसे छोटा वाला में भी चले जाओगे तब भी देखो इसका ऊपर वाला इनका दूसरा प्रोपोर्शनल है, तो जीरो आता ही जाएगा, हर जगह जीरो आएगा, तो अंत में आपका अगर एक क्रॉस मैट्रिक्स लोगे एक एलिमेंट का तो वैसी का रैंक जीरो नहीं रहेगा, तो भाई रैंक इसका 1 हो जाएगा। भाई एक जीरो रैंक सिर्फ और सिर्फ इसी का होता है, नल मैट्रिक्स का ही होता है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स रहेगा नल मैट्रिक्स के अलावा तो उसका रैंक क्या होगा, 1 होगा, तो ये आप समझ ही गए क्यों 1 होगा इसका। आगे चलते हैं हम लोग, आगे ये वाला है, ये क्वेश्चन है सातवां प्रॉपर्टी है, तो सातवां प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर तो क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स के सम का रैंक क्या होगा, वो सदैव छोटा होगा, दोनों के रैंक निकालने के कर उसका सम कर दो उससे, उससे सदैव छोटा होगा या उसके बराबर होगा, जैसे कि मैंने दिखाया भी है कि ए लिया है बी लिया है, दोनों का 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, इसका रैंक क्या है 1 रहा है, इसका रैंक इसका रैंक क्या है, इसका भी रैंक 1 है, 1 है क्योंकि भाई 2 का तो निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 2 के बाद 1 का निकालोगे तो नहीं 0 आएगा, देखो तो हम लोगों ने क्या निकाला, इसका भी 1 निकाला, इसका भी 1 निकाला, अब ए प्लस बी निकाला, ए प्लस बी दोनों इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया, जोड़ कर ये आया, इसका हमने क्या किया, इसका भी रैंक निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो देखो ए प्लस बी का रैंक जो है या तो ये इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा दिख रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ये और ये 1 ही है, तो उससे छोटा आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता है। चलिए एक और हमने देखा एग्जाम्पल, हमने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का चैप्टर, तो मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए हैं, मैथ में पूरा एग्जाम्पल से भर दिया है और ये काफ़ी आपके जरूरी मैंने इंपॉर्टेंट है और इससे आप पूरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं गेट का, इसके अलावा आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको कोई थ्योरी कोई भी
चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से हम लोग समझ भी लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से कम समय हमारे पास बचा। इफ़ हम लोग कर चुके हैं ये बार, देख लेते हैं यहाँ पे भी हमने ए और बी लिया है, दोनों को जोड़ा है, दोनों का आप आराम से निकालिए। ए प्लस बी ये निकला है, ए प्लस बी का रैंक आप देखिए दो है यहाँ पे, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट निकालिए जीरो नहीं है, नहीं आएगा तो दो रैंक निकलेगा। ये दोनों का आप निकालिए तो यहाँ तो दिख ही रहा है, एक एक रैंक तो दिख ही रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे दो है तो दो और दो बराबर, यानी कि रैंक बराबर आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा नहीं आ सकता। आठवां प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं, कितने प्रॉपर्टी बचे हैं फिर ज़्यादा नहीं बचा, हम लोग जल्दी से करते हैं। क्या है, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ विथ रैंक एन, देन क्या होगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए का भी रैंक एन ही होगा। अगर एन एम क्रॉस एन को मैट्रिक्स है जिसका रैंक एन है, इसका मतलब ये है कि एम तो उससे बड़ा ही है भाई, एम तो एन से बड़ा ही होगा अगर रैंक है एन तो, देन एडजॉइंट ऑफ ए का रैंक क्या होगा, एन ही हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, इफ ए, तो भाई क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे तो इसका रैंक बता दे और भाई उसका एडजॉइंट का रैंक पूछ दे तो भाई हम तो बता ही दें वनक से। इफ ए इज एन क्रॉस एम मैट्रिक्स विथ रैंक एन माइनस एन, देन उसका एडजॉइंट का रैंक क्या होगा, एक हो जाएगा। अगर एन माइनस वन इसका रैंक रह गया, एन क्रॉस एम का रैंक एन माइनस वन, अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया हमने रैंक निकाल के लाया, हमने निकाल दिया कि एन माइनस वन आ गया, एन से कम आ गया, तो एडजॉइंट का रैंक अपने आप वन चला जाएगा। तो भाई एडजॉइंट हम लोग निकालने नहीं जाएंगे, जानते हैं एडजॉइंट निकालना कितना मुश्किल काम है, तो हम लोग उसका रैंक ऐसे ही कर देंगे कि वन होगा। अब देखिए ये क्या, इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विच रैंक एन माइनस वन, अगर एन माइनस वन इसका रैंक हो गया, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स को है उसका रैंक एन माइनस वन होगा, तो उसका एडजॉइंट का रैंक सीधे जीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी है, एक मैट्रिक्स लिया तीन क्रॉस तीन का मैट्रिक्स लिया, इसका मैंने यहाँ से भी तीन क्रॉस तीन का एक डिटर्मिनेंट निकाला और निकाला तो उसका जीरो आ गया डिटर्मिनेंट। दो क्रॉस दो का लिया तो वहाँ पर जीरो नहीं आया, तो हमने कह दिया इसका रैंक दो ही होगा। तो हमने दिखाया भाई कि थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, थ्री क्रॉस थ्री का हमने मैट्रिक्स दिखाया। आगे चलते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने का हमने ये तरीका बताया था, एडजॉइंट ए का निकाला, इसका आप निकालिएगा और प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, देखिए दो का चार है, तीन का छः है, सारा रूट माइनस वन से मल्टीप्लाई है, तो इसका रैंक सीधे हमारा वन आ जाएगा। तो देखिए मैंने जो कहा था कि वन आ जाएगा, अगर एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है और उसका रैंक क्या है, एन माइनस वन है, देखिए तीन था इसका, थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स था, इसका रैंक कितना था, वन था, तो अगर एन माइनस वन रैंक है तो एडजॉइंट का रैंक कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ भी गया। क्यों ऐसा आ जाता है कि देखिए रहा है कि उसमें प्रोपोर्शनल हो जाता है सारे, तो इस प्रकार से आ जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा, सारे प्रॉपर्टीज देखे, काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि मैं अभिनंदन कुमार हूँ, मैंने बी टेक कर रखा है, बी एम टेक कर रहा हूँ, मैंने तीन बार गेट क्वालिफाई कर रखा है विथ बेस्ट ए आई आर, मेरा 159 था जो मैंने 15 में आया था, मेरा 2015 में। तो ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है, थर्मल इंजीनियरिंग से मैं एमटेक कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बिल्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, मैंने रांची में साहब ने नाम सुना ही होगा उससे, मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था। ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है, आप मेरे बारे में ज़्यादा जानने की क्या कीजिएगा, आपको तो जानना है कि भाई मैथ कैसे बनता है, तो मैथ जानिए आप लोग। और मेरा कहना है कि भाई आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, और आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, और इसमें सारे के सारे लगभग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितने भी कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए गेट का, अगर नहीं होता है पहले हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, कमेंट में पोस्ट कीजिए। आप पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका फोटो क्लिक करके आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं सारे को डिस्कस कर दूंगा, सारे को एक साथ करके मैंने एक अलग कोर्स बना के आप सबों का क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, एक नया ही वीडियो बना दूंगा। ओके, इस लेसन में इतना ही, धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार, और इस लेसन में हम लोग रैंक कैलकुलेट करने का मेथड देखेंगे, जो एक फॉर्म मेथड हम लोग देखेंगे। ये सबसे आसान मेथड है और आप जानते हैं इसके बारे में, ये सबसे आसान मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं रैंक कैलकुलेट करने के, बट हम लोग एक ही मेथड याद रखें, एक ही मेथड से क्वेश्चन करें, ज़्यादा मेथड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे भी क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कंपटीशन में क्या है कि भाई रैंक कैलकुलेट करना अगर आ जाए तो हमें समय बहुत लगता है रैंक कैलकुलेट करने में, तो जनरली क्वेश्चन रहता नहीं है, तो आपको आसान ट्रिक लग जाता है। तो यही अगर आए भी तो इसी फॉर्म मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभिनंदन कुमार हूं और आप मेरे बारे में अधिक आप मेरे अन अकेडमी के जाके प्रोफाइल से जान सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि मेरी मेहनत काम आए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। सो ये मत समझ लीजिए कि ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगा तो वो लोग आपसे ज़्यादा नंबर ले आएंगे, ऐसी भावनाएँ मत रखिए। यहाँ बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं गेट का, वो आपसे आगे नहीं निकलने वाले। इस तरह से कंपटीशन जब आप सब मिलकर पढ़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कंपटीशन के व्यू से पढ़ेंगे, एक दूसरे में कंपटीशन करेंगे, तभी आप आगे निकल पाएंगे, आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो अधिक से अधिक आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, साथ में मिलकर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपसे जो नहीं मिलता है उसे आपस में डिस्कस कीजिए, ग्रुप बनाइए। अगर आपके दोस्त आपसे दूर रहते हैं तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए उन्हें, और सब लोग उसमें जिसको पता है उसको डिस्कस कर लें। आप किसी से सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, या फिर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोटो खींच कर आपको क्या कीजिए उसको मुझे मेल वगैरह कर दीजिए, तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इक्वेशन फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग रैंक। रैंक क्या होता है तो बता ही चुका हूँ, और देखिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग करना है। प्रोसेस मैंने लिख दिया है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो आर लेस देन सच नंबर ऑफ जीरो इन नेक्स्ट रो। तो हमें ऐसा फॉर्म में क्रिएट करना है, उसके कॉलम को हम लोग माइनस प्लस करके जो हम लोग करते हैं, जिसके करने से मैट्रिक्स में कोई चेंजेज नहीं आता है, जो आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं, तो वो हम करके क्या करेंगे, इस फॉर्म में क्रिएट करेंगे। इक्वेशन फॉर्म क्या कह रहा था, भाई ऐसा फॉर्म में कैलकुलेट कन्वर्ट कीजिए जहाँ पे क्या हो, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स, सो नॉन जीरो एलिमेंट के पहले का जो जीरो इन अ रो आर लेस देन सच नंबर ऑफ जीरो इन नेक्स्ट रो। तो अगले रो से हमें क्या रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कम रहेगा। और दूसरा क्या है मेथड, जीरोज रोज, जीरो रोज है इफ एनी मस्ट फॉर अ नॉन जीरो रोज। तो ये होना चाहिए जो जीरो रोज है वो मस्ट फॉर अ नॉन जीरो रोज, द नंबर ऑफ नॉन जीरो। तो जो हो, जो होता है जो नॉन जीरो रोज का जो नंबर होता है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस कंडीशन में अगर इस तरह से आप कन्वर्ट कर देंगे तो जो नॉन जीरो रोज जो है उसका ही नंबर उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। When it is an echelon form, तो वो echelon form में जब हो तो देखिए मैंने कैसे echelon form को में हम convert करते हैं और कैसे होता है। देखिए मैंने क्या किया, हमने किया है क्या कि हमारा पास क्या है कि भाई तो क्या किया गया है, देखिए यही है zero followed, देखिए बाकी zero से हमें कोई मतलब नहीं है, ये zero तो है लेकिन हमें बस इस zero इतने zero से मतलब है कि भाई देखिए यहाँ पे अगर 4 जीरो है तो यहाँ पे क्या है 3 जीरो है, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या हो गया है 1 जीरो हो गया है। तो हमें क्या रहना चाहिए, हर एक से आगे क्या रहना चाहिए कि इसमें जितना जीरो उससे इसमें 1 जीरो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 है तो इसमें 2 है, 2 तो है ही, 3 तो है तो ठीक है, तो 2 तो है, उसके बाद इसमें 3 है। तो जो कंप्लीट जीरो हो जाता है उसके पहले का नॉन जीरो रो जितने भी होते हैं उसी की संख्या उसका रैंक कहला जाता है, अगर इस फॉर्म में वो कन्वर्ट है। तो देखिए इस फॉर्म में यदि कन्वर्ट है, ये वाला सारा जीरो हो तो वो नन वो जितने नन जीरो उसके रो होते हैं वही उसका रैंक कहला जाता है। नन जीरो रो क्या है, ये तो ये रो तो पूरा जीरो का जीरो हो गया, तो ये तो नन जीरो रहा नहीं, बाकी कितना बचा 1 2 3, ये 3 जीरो क्या है उसका नन जीरो है, तो उसका रैंक क्या कहला जाएगा, 3 कहला जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए इसमें 1 जीरो इस रो में, इसमें 2 जीरो है इस रो में, और अगर हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया तो बाकी जितने नॉन जीरो रो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे उसका रैंक। तो देखिए ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, जीरो रो मतलब होता है कि उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। देखिए इस पे भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो ये इसके 3 रैंक कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले में क्या है 1 जीरो, दूसरे में क्या किया हमने 2 जीरो कर लिया, उसके बाद तीसरे में 3 जीरो, 3 जीरो तो हमने कर ही लिया ना, बाकी 4 जीरो रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 4 जीरो रहे 5 जीरो रहे तो इसका क्या होगा रैंक, इसका भी रैंक क्या करेंगे हम लोग, नॉन जीरो रो को हम लोग काउंट करेंगे। नॉन जीरो रो, ये रो में तो सारा एलिमेंट ही जीरो है, तो ये तो नॉन जीरो रो रहा नहीं, तो नॉन जीरो रो कौन कौन है, ये है नॉन जीरो रो और एक ये है नॉन जीरो रो, तो इसमें 2 ही नॉन जीरो रो है तो इसका हम लोग रैंक 2 कर दिया हमने। चलिए डी में देखते हैं, डी में क्या है, ये जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, और आगे भी जो है सो है, उससे हमें क्या मतलब, इतना दूर तक तो फॉलो किया।
नीचे नहीं फॉलो कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए गिनेंगे नॉन जीरो रो कितने हैं, नॉन जीरो रो एक ये है, दो है और ये तीन है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका रैंक तीन हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हम लोग चलते हैं नीचे, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। अब उसने ऐसा दे दी तो मैंने दिखाया कि भाई ऐसा दिया हुआ, मतलब दिया हुआ था तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना। अब ऐसा फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जीरो कौन कौन सा बनाना है, तो हम लोगों को ये यहाँ पे इतना सारे जीरो बनाने हैं, बाकी जीरो आ जाए तो ठीक, नहीं आए तब भी ठीक, पर हमें इतने को हमें जीरो बनाना है। इसमें से कैसे हम जीरो बनाएंगे, सबसे पहले क्या करें, पहला को हम लोग क्या करें इसमें ला के घटा दें। देखो मैंने क्या किया कि आर टू में से घटा दे थ्री आर वन को, ये तो जानते हैं कि ऐसा करने से कोई मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने को वैसा ही करेंगे। तो इसमें से हम 300 मल्टीप्लाई के इसमें घटा देंगे तो भाई ये वाला टर्म तो घट के जीरो कर ही देगा, तो इसको तो कम से कम जीरो कर ही दिया। ये इसमें एक जीरो आ गया, अब इसमें दो जीरो लाना है, अभी हमको ये दोनों को ख़त्म करना है। आ जाए तो ठीक भाई, हमको करना ही वैसे वो आ जाएगा, क्योंकि एक तो हम लोग जीरो कर ही चुके हैं, अब इसमें को जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम, देखो आर थ्री को हम लोग क्या करेंगे, आर थ्री को क्या करेंगे में से माइनस कर देंगे टू आर वन को, ये आर वन रहा तो आर वन को अगर माइनस करेंगे, आर वन में अब जीरो हो चुका है तो आर वन में माइनस कर देंगे अगर हम इसको दो से मल्टीप्लाई, माइनस दो से मतलब दो से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आप कीजिए उसको, यहाँ पे हम जोड़ घटाओ तो करेंगे नहीं, उतना समय भी नहीं हमारे पास, तो तरीका मैंने बता दिया। देखो फोर्थमा रो को क्या करना है, जो फोर्थमा रो है लास्ट वाला उसमें क्या करना है, तीनों को जोड़ के आप जो ये तीनों है इन तीनों को जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना आएगा, वन में से तीन जोड़िए दो जोड़िए तीन दो पाँच एक छः, और जिसको घटा दीजिए छः में जीरो आ जाएगा, ये दोनों को तीनों को जोड़िए चार पाँच छः सात आठ, आठ में से घटा दीजिए जीरो आ जाएगा, इन तीनों को जोड़िए तीन तीन छः सात, सात में सात घटा दीजिए जीरो आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप घटाइएगा तो जीरो आ जाएगा ढेर सारे, तो आर फोर को उससे रिप्लेस कीजिए। अब अगर सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है, कि भाई पहले तो जीरो हमको बनाना है, तो जीरो कैसे बनेगा वो देखो, वैसा ही बनेगा तो भाई ठीक है उसी तरह से करेंगे, नहीं तो आप जैसे भी करो हमको भाई ये इतने सारे में जीरो चाहिए। तो ये मैंने ये तरीका बताया, भैया आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा कि किस में क्या करना था कि वो जीरो हो जाए। तो ये मैंने दिखा भी है यहाँ पे कि देखिए क्या करना है, मैंने लिख दिया है कि ऑलवेज प्रिफेयर फॉर कन्वीनियंस के लिए, आप क्या कीजिए हर वक्त इसी को, ऐसे तरीक़ों को मतलब जैसा मैंने किया है, जो कन्वर्जन मैंने लगाया है उसी को आप प्रिफर कीजिए, कि भाई ऐसे जनरली ऐसा ही होता है, चौथा में रहेगा तो वो सबको सारे को जोड़ कर एक बार देखिए, वो अगर बराबर आ जाएगा तो उसको घटा दीजिए जीरो सब कैसे आ जाएगा। तो आप कन्वीनियंस के लिए क्या कीजिए, ऐसा ही मेथड सदैव फॉलो कीजिए, इससे से जोड़ घटाओ दाएँ बाएँ मत कीजिए कि इसको हम इसमें से घटा ली, आप कन्वीनियंस के लिए प्रोसेस फॉलो कीजिए तो लगभग सारे में लग जाता है और सारे से आपको निकल के आ जाएगा, ऐसा फॉर्म बन के आ जाएगा। तो कन्वीनियंस के लिए आप ऐसा ही तरीका फॉलो कीजिए। अब यहाँ रैंक निकालना है, तो रैंक क्या होगा, नॉन जीरो रो कितने हैं वो गिनिए, नॉन जीरो रो पहला है दूसरा है तीसरा है तीन तीन जीरो नॉन जीरो रो है चौथा तो जीरो ही हो गया, तो इसका रैंक तीन आ जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिर एक एग्जाम्पल है, आप मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है बड़ा सा मुश्किल सा, तो हमको वही करना है, ये तीन हमें ये वाला सबको जीरो को में कन्वर्ट करना है, ये तो पहले से ही जीरो, इसको तो हमको करने की ज़रूरत नहीं, हमको थ्री को करना है ये वाला में, सो क्या करेंगे, सो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर दें, दो से मल्टीप्लाई करके इसको घर में घटा लेते, ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, अब ये वाला टर्म बच गया, अब इसको जीरो करना है, ये कैसे जीरो होगा, इसको जीरो करने के लिए देखिए अब इसमें से घटाएंगे, इसको किसी से मल्टीप्लाई घटाओ, ये वाला टर्म तो जीरो नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे इससे काम लेंगे, तो थ्री में से क्या करेंगे टू को घटा दें, तो एक है ये इसको इससे घट जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, और फिर ये जीरो हो गया, फिर आप क्या करेंगे भाई, ये तो हो ही गया है दो जीरो इसमें भी हो गया, पर एक और हम इसको भी जीरो बना ही ले बन सकता है, तो क्यों ना बनाएं, अच्छा लगेगा हमको, ज़्यादा जीरो रहेगा तो जितना ज़्यादा ज़्यादा जीरो बना सके हम लोग, तो अभी हम लोग इसको भी देख रहे हैं कि भाई इसको भी इसको घटा दें तो ये भी जीरो बन जा रहा है, फोर में से थ्री को घटा दें तो ये भी जीरो बन गया। अब क्या करेंगे कि एक है ये ऐसे बढ़ रहा है बेचारा, अच्छा है मैंने दिखाया क्या था कि भाई नीचे वाला क्या आ रहा है उससे ज़्यादा जीरो रहना चाहिए, देखिए नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो आर लेस देन सच नंबर्स ऑफ जीरो इन नेक्स्ट रो, तो हम लोग क्या करेंगे उससे ज़्यादा, देखिए इसमें क्या था तीन जीरो था, तो हम लोग इसमें क्या बनाना है चार जीरो बनाना है, तो काम चलेगा हमारा, तो चार जीरो हम लोग ने बना लिया, उससे ज़्यादा जीरो बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में,
उससे, जैसे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन जीरो बना रहे थे, अब देखिए क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, तीन जीरो थे, इसमें हम चार चार जीरो बनाएंगे, इस तरह से हमने बना लिया। तो नन जीरो रो कितने हैं, एक दो तीन, तीन नन जीरो रो हैं, तो तीन ही इसका रैंक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप उसको क्या कीजिए, पहले देखिए मत, आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, उस क्वेश्चन को लीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से करके देखिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन, जब ना हो तब मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं तो पहले इतने सारे बता ही चुका हूँ, तो आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब वीडियो तो है तो मैं तो तेज़ी से निकालूंगा ही, क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेशन है, उतने में सबको बताना है। तो आप उसको रोकिए और आप खुद से कीजिए क्वेश्चन को, जैसे कि ये है, इसको भी हम लोगों को यही बनाना है, जीरो 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 सबको बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू कर देंगे, तो जीरो आ गया, फिर हम लोगों को फिर से इसमें दो जीरो बनाना है, इसको कैसे करें हम लोग, तो आर थ्री में से क्या करेंगे, आर वन को पहले घटाएं, तो एक यहाँ पे जीरो बन जाएगा, फिर उसके साथ साथ क्या करें, आर फोर में से क्या करें, आर वन को घटा दें, आर वन को इसमें से भी घटा दें, तो भाई इसलिए पूरा रो तो जीरो बन ही गया, खत्म ही किस्सा। उसके बाद क्या करना है, अभी ये दोनों को जीरो करना है, तो उसको भी कहीं लेंगे, देखिए ऊपर लिख ही दिया हूँ मैंने कि आर थ्री में से क्या करें, टू आर वन आर टू को घटा दें, आर थ्री ये है, इसमें ये है आर टू, आर टू में क्या करें, आप दो से मल्टीप्लाई करें, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो हो जाएगा, चार हो जाएगा, इसको इसमें ला के घटाइए, ये दोनों को जीरो बन जाएगा। अब इसको देखिए तो बराबर हो, तो फिर उससे ज़्यादा जीरो हो, तो देखिए अगला बार भी हमें अभी इसमें तीन आ गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चार या फिर तीन तो करेंगे कम से कम, तीन करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो इसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग दो से मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो आ ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, नहीं तो इसमें भी हम कर सकते हैं, टू में भी कर सकते हैं कि भाई दो चार से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इसके प्रोपोर्शनली आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, आर फोर वन में से चार बना, चार से मल्टीप्लाई कर आर टू को घटा दिया है, तो ये सारा का सारा जीरो आ जाएगा। आप नन जीरो रो कितने हैं, तो एक और दो ही नन जीरो रो है, बाकी में तो सब जीरो जीरो भरा हुआ है, तो दो इसका रैंक हो जाएगा। नीचे चलते हैं, और भी नीचे कुछ कुछ है, तो नीचे देखते हैं क्या उसने क्वेश्चन दिया। उसने कहा कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे जो 50 क्रॉस क्रॉस 50 का, यानी 50 ऑर्डर का 50 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है, 50 50 मतलब कि 2500 उसमें एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स क्या है, आई जे में मैक्सिमम, जो आई और जे में जो मैक्सिमम है वही उसका एलिमेंट है। जैसे कि ये देखो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बाकी से कोई दिक्कत होता था कि भाई कहाँ पे ए वन है, ए टू कहाँ है, वन टू कहाँ पे है, तो देखिए ऐसा होता है। अब वन वन में कौन सा बड़ा है, वन बड़ा है तो वन होगा, यहाँ पे दो होगा, यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे भी दो वन में जो बड़ा होगा यहाँ पे होगा, दो होगा तीन होगा। ये आप जानते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बताया था मैंने। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोगों को जीरो करना है भाई, ये वाला टर्म जीरो करना है, या फिर जितना भी हम कर सकें ट्रायंगल बना के, भाई हर से नीचे वाला ज़्यादा ही होना चाहिए। सबसे पहले इसको तो जीरो करें, इसको जीरो करने के लिए हमने क्या किया, आर टू में से आर वन को हमने दो मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो ये आ गया। फिर हमने थ्री में क्या किया, इसी को हम लोग तीन से मल्टीप्लाई करके हम लोग ने घटा दिया, तो ये आ गया। अब क्या आ गया भाई, इसमें इससे ज़्यादा जीरो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक और जीरो आना चाहिए, एक और हमने जीरो कर दिया। एक और जीरो करने के लिए हमने क्या किया, आर थ्री में से क्या घटा दिए, थ्री बाई टू, आर टू को हमने घटा दिया, तो ये फॉर्म में आ गया। अब नन जीरो रो कितने हैं इसमें, तो देखिए तीनों के तीनों नन जीरो रो ही हैं, तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो इस लेसन में इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार, और इस लेसन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बचपन से ही आपके सामने आया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन तो आपने बचपन से ही देखा था, टेंथ क्लास से ही आपने देखना शुरू कर दिया था, इलेवन ट्वेल्थ में आपने जब मैट्रिक्स पढ़ा होगा पहली बार, उस वक्त भी आपको बताया गया होगा कि मैट्रिक्स हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। तो लीनियर इक्वेशन जब मुश्किल होने लगता है तो फिर हम मैट्रिक्स का यूज करने लगते हैं। जब दो तीन 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 लीनियर इक्वेशन होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वेरिएबल्स होते हैं, चार पाँच या तीन वेरिएबल्स हो जाते हैं, जब भी तीन वेरिएबल हो जाते हैं तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना मुश्किल होने लगता है। दो वेरिएबल तक तो काम चलता है, तब हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत होने लगती है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे लीनियर इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के सहयोग से, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसके सॉल्यूशन जानेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है भी या नहीं, क्योंकि पहले अगर हमें पता ना रहे सॉल्यूशन से बेकार में हम उसे सॉल्व करते रहेंगे, तो पहले ये पता होना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन उस इक्वेशन के है भी या नहीं है। तो हम उसके लिए
देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जानते हैं गेट से क्वेश्चन आना ही है, हर साल आना है, हर सेट में आना है, ना ये हो ही नहीं सकता। तो गेट के लिए सारे सब जो सारे ब्रांचों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। पहले तो भाई ये देखो कि मैंने ग्राफ बना रखा है, इसी से आपका एक क्वेश्चन तो आ जाएगा झट से, इसी से आपका हर साल एक क्वेश्चन आना है गेट में। तो देखिए मैंने स्टार भी लगा रखा है, 3 स्टार, कि भाई 3 स्टार है, आपको ये खाली चार्ट याद रखना है तो आपका काम हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही ले जाएगा, 1 या 2 नंबर का, या फिर इसको क्या कहीं यूज भी किया जा सकता है किसी और क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में। तो देखिए लीनियर इक्वेशन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। पहले तो ये बड़ा छोटा सा दुनिया है, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो होमोजीनियस क्या होता है, तो जो इस फॉर्म के इक्वेशन होते हैं जिसमें एक साथ 0 0 होता है इक्वेशन के, या फिर दूसरे में है क्या कि एक तरफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस इक्वल टू डी, एक तो इस तरह से, या ये है एक्स प्लस बी बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, जिसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता। देखें इसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होते, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं। देखिए आप इधर उठा के लाइए कॉन्स्टेंट को, या फिर उस सेट कीजिए, मैंने देखिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वेरिएबल है भाई, कॉन्स्टेंट है, दूसरा वेरिएबल से मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको 0 के बराबर लिख दिया, तो एक इक्वेशन बन गया ये। इसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन कहलाता है जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म होता है। इसमें क्या है, जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता है, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं दोस्त, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं। देखिए मैंने दिखा दिया है कि भाई कॉन्स्टेंट टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको तो बाद में देखेंगे, इसको पहले देख लो। तो होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें क्या होता है, जितने वेरिएबल्स रिसीव होते हैं वेरिएबल्स में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, पर कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता, ठीक है, तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको 2 प्रकार के सोल्यूशन इसमें होते हैं, ट्रिवल सोल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवल सोल्यूशन होता है। कब होता है ट्रिवल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 0 सोल्यूशन, यानी कि इसका जो जितने भी सोल्यूशन है उसके जो आएंगे वो 0 ही आएगा, यानी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, इस तरह का सोल्यूशन आएगा, तो वो ट्रिवल सोल्यूशन कहलाता है। नॉन ट्रिवल जिसमें नॉन 0 सोल्यूशन आए, ये 0 सोल्यूशन कब आएगा, जब क्या होगा, देखिए इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर हमने ये चीज़ देख लिया, कंडीशन देख लिया, डायरेक्ट उसका हम सारा सोल्यूशन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 लिख देंगे। ये कब होगा, जब रैंक जो होगा, जो रैंक है इस मैट्रिक्स का, देखिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैंने इक्वेशन को लिख रखा है, ए इंटू एक्स इक्वल टू 0, जो ए है जो कांस्टेंट का सारा मैट्रिक्स, जितने भी कांस्टेंट है उस इक्वेशन में उसका मैट्रिक्स है, और एक्स तो कर ही चुका आपने, होगा आपने 11th 12th में, फिर भी हम लोग देखेंगे आगे, पर यहाँ तो समझ ही सकते हो तुम, 11th 12th में आपने पढ़ ही रखा है कि एक्स क्या है, जितने वेरिएबल है उसका मैट्रिक्स है, और इधर तो 0 मैट्रिक्स है ही। तो हम लोग ए का जो रैंक निकालेंगे, अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गया, जितने वेरिएबल्स इस मैट्रिक्स में है एक्स वाले मैट्रिक्स में उसके बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, या फिर उसी को कहो कि भाई डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट 0 का मतलब क्या है कि उसका नंबर, उसका रैंक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल के ही बराबर हो जाएगा, भाई एक्स वाई जेड यही तो 3 वेरिएबल है, या फिर 4 वेरिएबल हो गए, डब्ल्यू वाई जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब वही रैंक हो जाएगा उसका, जिस ऑर्डर का वो इक्वेशन है, तो ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर उसका ऑर्डर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे 0 के बराबर ही सोल्यूशन आ जाएंगे, यानी एक्स इक्वल टू जी इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि जितने भी सोल्यूशन आएंगे सब 0 सोल्यूशन आएगा, ट्रिवल सोल्यूशन आएगा। नॉन ट्रिवल सोल्यूशन क्या होगा, जब रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, वेरिएबल से कम आ जाएगा, किसी भी रैंक मतलब मैट्रिक्स नहीं बल्कि ए मैट्रिक्स जो है उसका क्या होगा, वेरिएबल से कम अगर रैंक आ गया तो उसका मतलब है कि यानी कि आपने उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दिया, तो उसमें नॉन 0 सोल्यूशन आएंगे, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। देखिए अगर वेरिएबल्स कम से ज़्यादा क्या कम गया मतलब मैट्रिक्स का ये रैंक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे वेरिएबल्स और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। आगे देखेंगे इसको, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, कैसे डिपेंडेंट आता है, वो सब चीज़ को आगे हम लोग एक एक एग्जाम्पल ले लेके देखेंगे। पहले तो चार्ट मैंने बना दिया ताकि आपको याद तो रहे, तो उसके बाद क्या ये मैंने बताया, दूसरे में चलते हैं कि वह ऐसा रहे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रहे, होमोजीनियस इक्वेशन ऐसे भी होमोजीनियस मैंने तुमने बहुत सारे जगहों पर पढ़ा होगा कि होमोजीनियस क्या होते हैं, कि हर का ऑर्डर क्या होता है, एक समान होता है, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लीनियर को पढ़ ही रहे थे, यानी कि वन ही ऑर्डर का हम लोग पढ़ रहे हैं, वन ही ऑर्डर का इक्वेशन, तो क्या हर एक टर्म का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो उसका ऑर्डर 0 हो जाएगा,
तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इस अगर ये स्थिति में रहेगा, इस फॉर्मेट का रहेगा इक्वेशन, तो वो इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। मैंने यहाँ पर दिखाया ही था कि ये तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, यहाँ पर चांस है कि ये इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट हो सकता है। होमोजोनियस रहेगा तो वो पक्का ऑलवेज कंसिस्टेंट ही रहेगा, पर ये जो रहेगा अगर कांस्टेंट टर्म आ गया लीनियर इक्वेशन में तो वो हो सकता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं तो वहाँ पे मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जिसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं हो। इनकंसिस्टेंट मतलब कहीं भी कोई इक्वेशन एक दूसरे को काटे नहीं, ग्राफ जो बनाते हो वहाँ पे एक दूसरे को काटे नहीं, तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट जहाँ पे अगर कट गया तो कंसिस्टेंट हो गया, तो जो ना काटे ऐसा कब होगा, अगर रैंक जो है ए का रैंक, ए बी का रैंक, ए बी क्या है, ए का रैंक तो खैर ये है, और बी ए बी क्या है भाई, ए और बी के दोनों के एलिमेंट को अगर एक साथ आप लिख दोगे एक ही मैट्रिक्स में तो वो क्या क्या कहलाएंगे, ए बी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ए मैट्रिक्स का अगर रैंक ए बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ तो वो कोई सोल्यूशन नहीं देगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब कंसिस्टेंट दो प्रकार के, एक तो भाई कंसिस्टेंट की एक जगह पे काटे, एक है कि पूरा एक दूसरे पे ही चढ़ जाए, एक दूसरे पे चढ़ गया क्या ग्राफ तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होगा, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा अगर एक ही पर चढ़ गया। और ऐसे एक 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 पॉइंट पे अगर सारे इक्वेशन कट गए तो वो कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, एक डिफिनिट पॉइंट देगा, एक फिक्स पॉइंट देगा, तो वो उसे कहलाएंगे यूनिक सोल्यूशन। तो ऐसा कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ए का ए बी के रैंक के बराबर हो जाए, तो ये दो कंडीशंस आएंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, इन दोनों में से या कंसिस्टेंट तो होगा ही, तो कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ कंसिस्टेंट पूछेगा तो ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर कंसिस्टेंट के साथ साथ इनफाइनाइट सोल्यूशन पूछ दिया तो ये वाला सेटिस्फाई कर दो इक्वेशन। तो कह दिया कि भाई सबसे पहले तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, तो यूनिक सोल्यूशन होगा भाई ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए इतना, उसके बाद इस ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी बराबर हो तब जाके वो क्या होगा यूनिक सोल्यूशन देगा, यानी डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए जीरो के इससे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब भी ये आपको क्या दे देगा यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि आप डिटरमिनेंट वाला तो पढ़ ही चुके होंगे आप 11th 12th में। यहाँ पे देखिए, और मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पढ़े होंगे कॉलेज में, पढ़ेंगे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में, या फिर जो भी कर रहे होंगे मैथमेटिक्स से बीएससी एमएससी कर रहे होंगे वो उन लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन हम लोग क्या होंगे, ये सब ये डिटर्मिनेंट वाला टर्म आप पहले भी यूज कर चुके होंगे, जब आपने 11th 12th डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तब आप यूज कर चुके होंगे इसको। देखिए कंसिस्टेंट में क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का भी होने का संभावना है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा भाई, ये दोनों तो होना ही चाहिए, कंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन तो हॉल होना ही चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल से कम जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये किस्सा है यहाँ पे, आपको याद रखना, हर हाल में याद क्या रखना, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कब क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट कब होगा कभी नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे जैसे कि हमारे पास ये बड़े बड़े इक्वेशन दो आ गए हैं और हम लोगों को सबसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, तो हमने क्या किया इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लिया। देख लीजिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, भाई इसका कॉफिशियन इसका कॉफिशियन एकदम जैसे लाइन में लिखा हुआ वैसे हमने लाइन में लिख दिया, ये जैसे लाइन में लिखा हुआ वैसे हमने लाइन में लिख दिया सारा कॉफिशियन एक से बाई तक जितने भी 4 तक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये एक्स वन एक्स टू भाई सब में तो है ही, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर मल्टीप्लाई होता है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन आप जानते ही है, तो ऐसा ही टर्म आपको बना के लाएगा, इक्वेट कीजिएगा दोनों को तब ये इक्वेशन बन जाएगा, ऊपर वाला जो आएगा उसको इससे, दूसरा वाला आएगा जो इसको इससे। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, हम लोग क्या निकालना, हम लोग इसको सोल्व किया हमने आर टू माइनस टू आर वन हमने किया, तो भाई इस मैट्रिक्स में किया तो भाई देखिए धीरे नीचे सारा का सारा जीरो आ गया, इसका रैंक आपको समझ में आ ही गया कि इसका रैंक वन होगा, वन क्यों होगा रैंक, ऐसे भी देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे निकालोगे तो इससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, यहाँ भी निकालोगे तो यहाँ भी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी निकालोगे तो यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये और ये दोनों को लेकर आप अगर कोई मैट्रिक्स बनाओगे तब भी देखोगे इक्वल ही है तो जीरो आ जाएगा, यानी कि दो तो रैंक होगा नहीं तो एक ही रैंक बचा, तो एक रैंक हम लोग बनाए इसका है, ये तो इक्वलर फॉर्म, ये तो जान रहे कि इक्वलर फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों को दिखा कि भाई एक ही रैंक है इसका, तो एक रैंक हमने निकाल लिया इसका। अब हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल चार है, और यही देख रहे हो कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि ये तो ये बड़ा होमोजोनियस इक्वेशन है, होमोजोनियस इक्वेशन में आपको दिख ही रहा है कि इसका भी एक ही ऑर्डर है, इसका भी मतलब पावर मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल्स का, वन है, इसमें भी
कोई भी जीरो पावर वाला तो है नहीं जिसमें कोई वेरिएबल ऐसा हो, ये तो भाई है ही कुछ है नहीं, जीरो है। तो इस प्रकार से ये है होमोजीनियस इक्वेशन का है क्वेश्चन। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है, हमें रैंक आया तो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो गया, कम हो गया। तो रैंक देखिए, रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए तो क्या हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वही तो हम लिखे हैं, लिखा है नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, तो नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, रैंक आपके वेरिएबल से कम गया है। आगे चलते हैं, लगता नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर पाएंगे इसमें, जो बचेगा हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है द इक्वेशन इज, इक्वेशन ऐसा रहेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसमें फ्री वेरिएबल्स पूछा जाता है कि फ्री वेरिएबल्स कितने हैं। फ्री वेरिएबल्स जब भी पूछा जाए तो कितने हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रैंक आप पर जितना आया, जो रैंक आया था ये वाला, ये रैंक आया, ये नंबर ऑफ वेरिएबल आया, तो इसका डिफरेंस ही उसका क्या करता है, फ्री वेरिएबल्स का आया। तो इतना वेरिएबल फ्री है उतना वेरिएबल बाकियों पर डिपेंड करेंगे। मतलब यहाँ पर कितना आया, चाहे फोर माइनस वन आया यानी थ्री आया, थ्री वेरिएबल क्या है, फ्री है, यानी कि वो दूसरों पर, बाकी तीन वेरिएबल फ्री है बाकी उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसको क्या लिख लिया, लेट कर लिया, एक्स वन को क्या कर लिया, अब तीन वेरिएबल को हम लोग क्या कर लिया, हम लोग फ्री कर लिए। तो एक्स वन को के वन लिख दिया, एक्स टू को के टू लिख दिया, एक्स थ्री को के थ्री लिख दिया, हमने तीन वेरिएबल को उठाया, बाकी दो वेरिएबल को छोड़ दिया, दो वेरिएबल इसके इसके टर्म में आएंगे क्योंकि ये फ्री वेरिएबल है तीन, बाकी जो आएंगे इस पर डिपेंडेंट आएंगे, अपने आप आ जाएगा, करके देख लीजिए। अब क्या हमने किया, सब्स्टिट्यूट किया हमने, ये हम लोग इक्वेशन वन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। हमारा इक्वेशन वन कहाँ है, इक्वेशन वन देखिए यहाँ पे है, इक्वेशन वन इसमें हमने क्या कर दिया, इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा क्या आ गया, एक्स थ्री भी हमारा, एक्स थ्री क्या आ गया, एक्स फोर हमारा, एक्स फोर आ गया हमारा एक्स थ्री के टर्म में, बाकियों के टर्म में। फिर हम लोग ये जो इक्वेशन लिखा था उस इक्वेशन को हम लोग लिख लिया। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या हमने किया भाई, हम फिर से कि भले हम लोग तीन को तो वेरिएबल हम लोगों को मिल गया कि फ्री है ये पूरा पूरी तरह से, तो हम लोगों ने एक के वन के टू के थ्री मान लिया। अब हम लोग क्या किया कि एक और जो बचा है वो बाकियों पर डिपेंडेंट होगा, तो एक तो बचा है फोर ही बचा है, तीन को तो नहीं चाहिए, तो फोर को इसमें इक्वेशन में अगर हम लोग सबका वैल्यू, तीन का वैल्यू पुट करेंगे तो चौथा का वैल्यू निकल के आ जाएगा बाकियों के टर्म में, तो बाकियों के टर्म में आ गया। फिर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन को इस तरह लिखते हैं भाई एक्स वन का हम, ताकि हमको सारा पता चल जाए, अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इक्वल टू लिख लिया हमने कि इसका वैल्यू क्या था, के वन था यहाँ पर वैल्यू, के टू था यहाँ पर वैल्यू, के थ्री था और ये के फोर का वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग ऐसा जोड़ घटाव के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं वो तो हम लोग बाद में जानेंगे, पहले ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये पहले देखो। केवन को हम लोग इसको सोल्व करोगे तो यही वाला आ जाएगा, तो ऐसे इस टाइम में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस फॉर्म में लिखने के कारण, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ केवन के टू के थ्री बी कैन जनरेट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ फॉर टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब क्या होगा कि केवन के टू के थ्री को अगर हम अलग अलग वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि वह तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम लोगों को मिलेगा, इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे तो हम लोग बस जीरो की बातें किए थे हम लोग कि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या है, चार चार नोन है और इक्वेशन हम लोगों को दो ही दिया गया है, तो इस दो इक्वेशन के कारण हम लोगों को क्या मेहनत करना पड़ा। हम लोग भाई हम बताया कि जानते ही हो कि भाई इतने कम में हम चार वेरिएबल को नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल क्या जो आ गया बाकियों पर डिपेंडेंट आ गया।